नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि घर में रहे, भीड़ ना करें। चाहे मेडिकल स्टोर हो या दुकान, वहां भीड़ ना हो और 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। मगर इसके बावजूद देखा जा रहा है कि मेडिकल स्टोर हो या फिर किराना स्टोर या फिर कोई अन्य दुकान हो, लोग नियम का पालन ना करते हुए भीड़ में नजर आ रहे हैं। मगर अब मुंब्रा के सोशल वर्कर मेडिकल स्टोर में जाकर सर्कल बना रहे हैं ताकि लोग उन सर्कल में खड़े रहकर नंबर लगाकर दवाई ले सके। मगर वही जब अंबाजी मेडिकल में पहुंचे तो देखा गया कि मेडिकल स्टोर में लोगों की काफी भीड़ थी, जिसके बाद लोगों को मेडिकल से बाहर निकाला गया, सर्कल बनाया गया और ये सर्कल काफी दूर दूर तक बनाया गया और इन्हें सर्कल में खड़े होकर दवाई लेने की अपील की और मेडिकल संचालन से ये भी कहा गया कि इस नियम का पालन करें। मगर वही मेडिकल स्टोर की तरफ से जानकारी दी गई कि लोग नियम का पालन नहीं करते हैं और लोग नियम का उल्लंघन भी करते हैं। मगर अब जो नियम का पालन यानी सर्कल से बाहर खड़े होकर दवाई खरीदता है, उसे दवाई नहीं दी जाएंगी। इसी तरह थाने महानगर पालिका ने राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन में सब्जी खरीदने वालों के लिए सर्कल्स बनाया ताकि लोग एक दूसरे से काफी दूर रहकर सब्जियां खरीद सके। मुंब्रा के सब्जी मार्केट में भी सब्जी के दुकानों के सामने इसी तरह से सर्कल बनाया गया है, जिसमें कस्टमर खड़े होकर खरीदारी कर सके। क्या कहा है मेडिकल संचालन ने और सोशल वर्कर ने, सुनिए। सर्कल से आएंगे उन्हें कोई देंगे, हम लोग कल से सबको बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ का पब्लिक कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, झगड़ा करने के लिए नहीं है। हम लोग को खुद को तकलीफ है, सब गलती से बहुत कम लोग है, जो पढ़े लिखे लोग है वही मानते हैं रूल्स को, अलावा कोई नहीं मानता। हम लोग अगर बोलने जाएंगे तो झगड़ा कर देंगे। ये जो सर्कल बनाया गया है तो जो आपके मेडिकल स्टोर पे कस्टमर आएंगे तो क्या ये रूल आप फॉलो करने के लिए उनसे कहेंगे? हम लोग तो शुरुआत से सुबह से ही ये रूल को फॉलो कर रहे थे, लेकिन कैसा है कुछ एकदम पर्टिकुलर था सब, अभी तो एकदम फिक्स हो गया तो अभी करेंगे। लोगों में जो है दूरियां बनाए रखने, 1 मीटर तो दूरियां रखना ही चाहिए लोगों में। यानी जिस तरह से ये सर्कल बनाकर आपको दिया गया है, इसको अमल में आप लाएंगे? हाँ। काफ़ी दुख हो रहा था मुझे देख कर के, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी भी अवेयरनेस फैला रहे हैं और सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाया जा रहा है, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। बड़े दुख की बात है और ख़ास करके मुंब्रा के अंदर तो मैं ये काफ़ी दिनों से देख रहा था कि लोगों को जो डिस्टेंस है ना वो मेंटेन नहीं कर रहे, और ख़ास करके मेडिकल के अंदर तो बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, क्योंकि यहाँ पे लोग बीमार लोग भी आते हैं और वही लोग अगर डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो ये कोरोना वायरस जो बीमारी है ये और फैल सकती है। तो हमको बहुत ज़रूरी है कि ये स्टेप लिया जाए और हमारी मुंब्रा की जनता से अपील है कि हर लोग, हर तबके के लोग और हर कोई भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और इस चीज को जो है ना रूल को फॉलो करे। जिस तरह से ये सर्कल मेडिकल स्टोर और मार्केट में बनाया गया है, आप भी इसी सर्कल का इस्तेमाल करें और लोगों से दूरी बनाए रखें। कोई भी स्टोर में भीड़ ना करें ताकि कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से बच सके। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।